अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे अभी एक छोटे भाई से मुलाकात हुई है। वो दाल मोट का काम करते हैं, कुछ बातें उनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक थोड़ा ऊँचा बोलना। फारूक जी हाँ। फारूक, ये क्या दाल मोट है? आप ये मैंने को दिखा देता हूँ। ये इनका एक छोटा सा वो है, सेटअप है, जिसमें दाल मोट वगैरह रखी हुई है। तो फारूक, ये कितना खर्चा इस पे आता है जब आप इसको बाजार से खरीदते हैं? सर ये 150 रुपये किलो मिलती है, हमारे को हमारी रोजी है इसमें 500-400 बच जाती है। बच जाते हैं। जी तो सुबह किस टाइम आप घर से निकलते हैं 8 मजदूरी बजे के लिए, निकलती हूँ, और वापसी रात को 12 बजे जाता हूँ सर। 12 बज जाते हैं आपको? 12 मतलब इतना लंबा टाइम देने पर आपको 400-500 बच जाते हैं। 4-5 ठीक है। तो बाकी वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब घर पे है, अबू है, वो काम करते हैं मशीनों का। मशीनों का काम करते हैं। हाँ बाकी को भाई रोजगार करता है कोई आपका बड़ा भाई भाई छोटा भाई? भाई मैं हूँ, एक माँ बाप का। आप माँ बाप के अकलौते बेटे हैं? एक ओहो, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। और तालीम हासिल की आपने? जी पढ़े आप? नहीं सर, पढ़ा बिल्कुल नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं तो पढ़ा। कोई आपने हालात ने इजाज़त नहीं दी होगी आपको? जी हाँ। ठीक है। तो अभी कहाँ रहते हैं? यहाँ से कितना दूर घर है आपका? हमारा घर है 2 घंटे का दूर है, 2 घंटे का। है। तो जी वहाँ से आपको आना बस में आना होता है? नहीं, पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ। दो घंटे का रास्ता पैदल आना जाना है आपका? जी हाँ। ओहो, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे यार, हौसला दे फारूक। और रिस्क हलाल कमा रहे हो, और अपने आप को आपने अभी आपकी उम्र जो है वो ग्रोइंग एज है आपकी, इसके अंदर आप अच्छी सोच लेके चल रहे हो, माँ बाप के लिए भला कर रहे हो, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हो। हमारी दुआएं आपकी कि अल्लाह ताला आपको हर बुराई से बचाए, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, और आपको किसी भी गलत किस्म की तरफ जाने से अल्लाह महफूज रखे। आपको हौसला हिम्मत दे। नमाज पढ़ते हो? जी नहीं। पढ़ते हो या कम मौका मिलता कम है? पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ा करो बेटा, नमाज पढ़ा करो। 5 टाइम नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ा करो। और इत्तफाकन आपसे मुलाकात मेरी अभी हुई है, तो मेरे पास आपके लिए ये लें, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए, ये आप अपने पास रखें, और अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए वालिद साहब से दुआ करवाएं, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। फारूक बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह खुश रखे आपको।